मैं पर्दे वालों को वो नहीं करती, बेपर्दा नहीं करती। हाँ, गर्म पानी से कमर धो के देखो ना, धोए थे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ और प्यार से और मेरे मालिक के रहम करम से बहुत अच्छी हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ भी होंगे बहुत अच्छी होंगी। जी हाँ, मेरी शक्ल की जो रौनक है, जो खुशी है, देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज कितनी खुश हूँ, और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैटर क्या है। तो जी हाँ, थंबनेल एकदम सच है। मैंने अगर रिहाना बस की फ़ोटो लगा के नाम मेंशन करके अगर वीडियो बनाई है तो दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, नहीं तो रिहाना बस तो मुझे कच्चा खा जाएंगी। अगर झूठ होता तो छोड़ने वाली तो है नहीं। तो जी हाँ, रिहाना बस ने कटली के ऊपर चेम पुलिस स्टेशन से केस किया है, कंप्लेंट फाइल किया है। कारण क्या है मैं बताऊँगी, वीडियो को पूरा देखना। कटेली के बारे में जितना बोले उतना ही कम है, वो सबसे पंगा लेती रहती है, सबको गाली गलौज करती रहती है, ख़ुद को पता नहीं साउथ की बहुत बड़ी डॉन समझती है कि सुपरस्टार समझती है, इसका तो वही जाने है। बट उसकी अगर मतलब असलियत की बात करें तो असलियत तो मैंने आप लोगों के सामने रख ही दी कि उसकी औकात क्या है, वो क्या कर सकती। 48 आवर्स, 28 आवर्स, मंडे फ्राइडे पता नहीं कितने कितने वो दिन देती रहती है, मगर वो दिन कभी ना आती, ना हमारे चैनल बंद होती और ना हमको पुलिस उठा के लेके जाती। मैं तो इनफैक्ट कुछ दिनों तक दरवाजे के सामने ही बैठी थी, राह देख रही थी कि पुलिस वाले भैया आएंगे, मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी, उनको खातिरदारी करूँगी, मेरे बहन की जगह से आ रहे हैं वो लोग, लेकिन नहीं आए। उसकी जो वार्निंग है और उसका जो कंप्लेन है उसकी तरह वो भी खोखली निकली। तो बात करते हैं अब रिहाना बॉस ने अपनी बेटी, मुंह बोली बेटी के ऊपर पुलिस कंप्लेन क्यों किया। तो जी बात ऐसी है कि उसने रिहाना बॉस को जो गाली दी थी, रिकॉर्डिंग सना इमरान ने सुनाया ही है आपको कि इतनी गंदी गंदी तरीके से रिहाना आंटी को कटेली ने गाली दी, तो जिसकी वजह से रिहाना आंटी को बहुत दुख हुआ और जिसके चलते रिहाना आंटी ने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेन किया। और उसमें क्लियरली बॉस की माँ के बोल के बहुत सारी गंदी गालियाँ थी जो उसने दिया। देखो इंसान कैसे भी हो, लेकिन अगर बुजुर्ग है तो मुझे लगता है गाली देना बनता नहीं है। और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, खैर वो तो जाने दो। तो चेंबूर पुलिस स्टेशन से फ़ोन गया कटलेरी के पास, वो अभी फ़रार है फिलहाल। तो कटलेरी के पास फ़ोन गया तो वो बोलती है वो चेन्नई में है, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पर अगर रील्स देखोगे तो अपने घर के सोफे में बैठ के वो शॉर्ट्स डाल लिए, ऐसे करके शॉर्ट्स डाल दिए। लेकिन जब पुलिस वाले उसको फ़ोन कर रहे थे तो वो बोली चेन्नई में है वो, हालांकि झूठ बोली। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो अपडेट में देती रहूँगी, लेकिन ये एकदम ताज़ा खबर है, तरोताज़ा फ्रेश खबर है कि रिहाना बॉस ने किया अपनी मुँह बोली बेटी कटली को पुलिस कंप्लेन चेंबूर के पुलिस स्टेशन में। कौन से पुलिस स्टेशन क्या है वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, जब तक रिहाना आंटी रिवील नहीं करेंगी। अगर वो रिवील करती है तो मैं रिवील करूँगी, लेकिन हाँ ये बात सच है, 100% सच है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप रिहाना आंटी को जाकर पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर सना इमरान को, उनको शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। अब रिहाना आंटी से डायरेक्ट पूछ लो कि इस बात में सच्चाई कितनी है, और अगर मैंने उनकी फ़ोटो लगा के और उनका नाम इस्तेमाल करके अगर वीडियो बनाया है तो कुछ तो बात होगी। और अगर मैं कटली के नाम पे ये मैटर पे मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो अगर कटली झूठ है ये बात, तो कटली को बोलो कि सामने आके वो इस बात का जवाब दे। और उसकी जो चमचियाँ हैं, चमचियाँ बोली आजकल कि कटली ने तो सबकी फाड़ के रख दी, ये करके रख दी, वो करके रख दी। तो अगर कटली ने हमारी फाड़ के रख दी ना, तो हम यूट्यूब में हर रोज़ आ रहे हैं वीडियो बना रहे, इनफैक्ट कटली के नाम की ही वीडियो बना रहे हैं। मेरा बस दो पिछले का दो तीन वीडियो सायरा आंटी के और आई अंकल के ऊपर है, बाकी सारे वीडियो देख लो कटली के ऊपर ही है। और आज मैंने फिर से कटली के ऊपर वीडियो बनाया। तो कटली के जितने भी चमचे उनको बोलना चाहते, तेरी माँ में दम है ना, तेरी माँ के जिगरे में दम है ना, तो बोल चल फाड़ के दिखाए। मैं भी यही हूँ, मेरा चैनल भी यही है, और मैं औरंगाबाद में हूँ, औरंगाबाद की मट्टी में ही मेरी कब्र होगी। तो अगर उसको फाड़ना है ना, मैं औरंगाबाद छोड़ कर तो भागने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली यहीं पे है, मेरा ससुराल यहीं पे है ना। तो उसको बोल फाड़ के दिखाए। और चैनल बंद करवाने की बात रही तो सना भाभी की भी चैनल चल रही है, हमारी भी चैनल चल रही है। अब रोज़ 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 उसके बारे में क्या बोलूँ, उसकी जो सच्चाई दिखानी थी वो मैंने दिखा दिया।
वो जब आके वीडियो में मेरा नाम लेके बंगालन गुटखा बोल के बोलती है तो मैं उसको जवाब देती हूँ। अब रोज़ रोज़ वही अकॉर्डिंग क्या बजा, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दूँ, वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, नशेली चरसुली बरदोली, वो अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो बात बहुत अलग थी। मैं उसके नाम के भजन गाती, उसको गालियाँ तो देती नहीं, और वो क्या कर सकते क्या नहीं, वो अपने उसका ना भी करंट चमचा है तो वो चमचा क्या करता है मालूम क्या, लोगों को जाके डराने की कोशिश करता है, नहीं वीडियो मत बनाओ, पुलिस कंप्लेन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और उसकी जो चमचा है उसको लगता है कि उसकी जो शाण पट्टी है वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसा है ना कि हर कोई आजकल के दुनिया में ना समझदार है, दो बच्चों के माँ हैं हम और दुनिया देख के आ चुके, बिन माँ के बच्चे हैं हम, सौतीली माँ है लेकिन माँ माँ होती है, खुद की माँ हमारी नहीं है। 12 साल की उम्र में मेरी माँ गुजर चुकी है, हॉस्टल में पली भरी हूँ तो पता है दुनिया कैसी है, और कौन कितना सगा है, कौन कितना अपना है, कौन किसके पीछे क्या बोलता है क्या नहीं, सब मालूम है। तो तू जो अपने चमचों से ही हाँ वहाँ जो मैसेज पहुँचाती है ना, डराने की कोशिश करती है, थोड़े तो चमचों को बोल दे ये प्लान फेल हो गया क्योंकि मैं तो डरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, तेरे चमचे की चमचे को चेक करने के लिए मैंने बोला था ज़रूर, लेकिन मेरी वीडियो तो बनानी बंद नहीं हुई, तो थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग दे तेरे चमचे को, क्योंकि तेरे चमचे का ना वही सेम ट्रिक पुराना हो चुका है। और रही बात कटेली की, तो अब कोई और भी बजा रहा है कटेली का, बजा रही है रिहाना आंटी, और वो रिहाना बॉस है, वो सोशल मीडिया में भोगती नहीं है, शायद वो करके दिखाएंगी। और बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप लोगों को पता चलने वाली धीरे धीरे। तो चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई, इन्फॉर्मेशन तरोताज़ा एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन है जो अभी शायद किसी और के चैनल पर चले, लेकिन सबसे पहले अपडेट मेरे चैनल पर आता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड क्या है क्या नहीं है मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि मुझे ना वीडियो एकदम लेंदी करना, एकदम घुमा घुमा के एंड में जाके जब सब्सक्राइबर देखी इसके लिए एंड में जाके टॉपिक का मेन पॉइंट बताना, वो मुझे आता नहीं है। मैं ये सब गेम खेलती नहीं हूँ, जिसको पसंद आएगा पूरा देखेगा, जिसको नहीं आएगा नहीं देखेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि रिहाना आंटी को बहुत गंदी तरीके से गाली दी कटेली ने, रिहाना आंटी की मम्मी को गाली दी बहुत गंदी तरीके से कटेली ने, इसके ऊपर रिहाना आंटी को गुस्सा आया, रिहाना आंटी ने उनको समझाने की भी कोशिश की, उसने समझी नहीं, उल्टा जिसने समझाया जिसको माँ बोली उसको ही गाली देने लग गई। तो अब भाई ये रिहाना आंटी बोलो, रिहाना बॉस बोलो, तो कोई अलग अलग इंसान तो है नहीं कि कोई भी गाली दे देगा वो सुन लेगी, ऐसा तो है नहीं, तो ठोक दिया केस। अब वो भाग रही है पुलिस वालों से दूर, फ़ोन करा पुलिस वालों ने तो बोले मैं चेन्नई में, हालांकि वो अपने घर में बैठ कर सोए बैठ कर रील्स बना रही है, इतने फट्टो गान की है वो, और उसकी चमचियाँ बोलती है सब मुंडे सबकी फाड़ के रख दी, ये कर दी वो कर दी। अरे कटेली की औकात है क्या फाड़ने की, उसकी खुद फटी पड़ी है और हम उससे डरेंगे? अरे हम खींचने वालों में से नहीं है कि हम होश में रहते हैं और जो करते हैं ना एकदम सोच समझ के करते हैं, हम यूँ खींचने वालों में से नहीं है, हम जो भी करते हैं ना एकदम सोच समझ के होशो हवास में करते हैं। हम नशे में बह के उसको गाली इसको गाली उसको ये बोलना उसको वो बोलना वो नहीं करते, जितनी चद्दर है ना इसीलिए वो तो उतनी पैर पसारो, और तुम जिसके दम पे उड़ रही हो ना बेटा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसको तुमने जो ब्लैकमेल करके फंसा के रखा है ना, उसकी सच्चाई भी मैं धीरे धीरे सामने लाऊंगी, टेंशन मत लो कि कैसे तुमने उस बंदे को फंसा के रखा है और तुम्हारी बेटियाँ क्या है क्या नहीं है, वो तुम्हारी सारी सच्चाई मैं लाऊंगी वक्त आने पे, जब तुम मेरे को उंगली करोगी ना तो तुम्हारी और सारी चीज़ें मैं लाऊंगी बाहर। फिलहाल पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना ताकि कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। और जो भी ये जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं ना, बहुत उसकी जो चमची है ना एक, तो वो बहुत हाँकती थी, अब वो सलाखों के पीछे जाएंगे सब, हाड़ी ढोल बंदर बंगालन गुटका ये वो, क्या हुआ तेरी अम्मा ने ना भेजी हमको जेल के अंदर, क्या हुआ हमारा चैनल ना बंद हुआ? अरे मैं तेरे को कब से बोल रही थी तू बेवकूफ़ है, व्यूज़ के चक्कर में रिकामा तूने हम लोगों से पंगा ले ली, और हम जो है ना हम बहुत अंदर के पानी की मछली है रहे तो हमारे साथ पंगा लेगी। खैर जाने दे, तेरा भी नंबर आएगा तो हमारा नंबर लगाते जा, हमारा नंबर आए या ना आए लेकिन तेरा नंबर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। वो क्या है ना, अब तू बहुत दूर है ना, दूसरे कंट्री में है, तो तेरे को तेरे लिए जाल बिछाने के लिए ना तो भी जाल को बहुत लंबा बुनना पड़ता है, तो वो जाल अभी बुन रहा है,
टेंशन मत ले, जिस दिन बुन जाएगा ना तो उस दिन उस जान में आ जाएगी। तो जितनी भी शानी रहने दे, तूने जिन लोगों को उंगली किया ना उनके बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है और बहुत दूर दूर तक तो कॉन्टैक्ट्स है। तू तो उन लोगों को तो अच्छे से जानती ही नहीं जिनको तूने मतलब बहुत गंदी तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की, झूठ बोल के उनकी बेटी को खींचा तूने। तुझे मालूम ही नहीं हो क्या चीज़ है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, उनकी औकात जो है ना तेरी औकात से तो कई गुना ऊपर है। और आजकल के डेट में ना ये बोलता है, और तो जो जिनको बोलते हैं ना यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए बैठ जाते हैं ये वो, अगर वो पैसा कमाने बैठ भी रहे ना लेकिन उनके बाप दादा के पास और उनके पास इतने पैसे हैं ना कि तेरे लिए तो जाल बुन ही सकते हैं। तूने पंगा लिया ज़रूर है लेकिन तू हजम नहीं कर पाएगी, इतना ही मैं बोलूँगी, तो हजम नहीं कर पाएगी। और तू जो बोल रही थी ना माफ़ी मांग, कटेली से माफ़ी मांग, ढोल माफ़ी मांग ले, अब देखते कौन किससे माफ़ी मांगता है। अगर कोई इतना इतना तूने उन लोगों को सुनाया, इतना तूने इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाया व्यूज़ और डॉलर के लिए, और इतना करने के बाद तुझे अगर लगता है ना कि वो खामोश है, वो चुप बैठ गए तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। ये जो खामोशी है ना ये सैलाब आने के पहले की खामोशी है, इसको गौर से सुन, क्योंकि तेरे लिए है ना इस खामोशी के साथ बहुत कुछ आने वाला है। सोशल मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बतानी, अब ये लोग बताते नहीं हैं ना, हम बताते डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया में दिखाना बंद कर दिए हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया में दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा है, हो ज़रूर रहा है, सोशल मीडिया में दिख नहीं रहा है। जब हो जाएगा ना तो अपने आप तू ही आके बकेगी, तू ही आके बकेगी, मैं बोल रही हूँ तू खुद आके बकेगी, और तब ना बके बाद में आके बकेगी। और तू ना बक पाए ना तो मैं हूँ बकने के लिए, मैं हूँ। तो आज के लिए बस, तेरी अम्मा के साथ जो हुआ वो बताने आई थी मैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने आई थी कि तेरी अम्मा की जो मुँह बोली अम्मा है, जिसको उसने गाली दिया था उसने तेरी अम्मा की फाड़ के रख दी, और तेरी अम्मा भी भागते फिर रही है, बोल्डिंग में चढ़ना ही हूँ तो कभी उधर हूँ तो कभी इधर हूँ, ये बोल के पुलिस वालों से वो भाग रही है। जी हाँ, और बॉस की जो पहचान है वो बेंगलोर तक भी है पहचान, तो उसको पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। वो अलग बात है कि ये सारी चीज़ शायद सोशल मीडिया में ना आए, लेकिन मैं लाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर, अगर हयाती रही तो। तो इसके लिए बोलूँ चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। जो जो मुझसे प्यार करते, जो नहीं करते वो बाहर में जाए, मेरे को उनकी परवाह नहीं है। जो मुझसे प्यार करते कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, एंड आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, हमेशा चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।